हेलो यूट्यूब, आज हमारे सामने ट्विटर इनोवा क्रिस्टा, चलिए देखते हैं इसे। इनोवा लॉन्च हुई थी 2005 में और इसका थर्ड जन मेक ओवर है। अब इसमें एक नया नाम और जोड़ दिया है, क्रिस्टा। ये 2016 में किसका अपडेट आया था, ये देखिए इसके प्रोजेक्टर लैंप्स, इसमें LED लाइट्स हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। इसके फॉग लैंप्स, ये इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं, इसका बम्पर, इसकी ग्रिल, ये इसका टॉप एंड ZX वेरिएंट है। इसमें दो और वेरिएंट्स आते हैं, GX और VX, उसमें भी कैटेगराइजेशन है, जैसे कि GX 7 सीटर, GX 8 सीटर, VX 7 सीटर, VX 8 सीटर और ZX में सिर्फ 7 सीटर्स आती हैं, मतलब चार कैप्टन सीट्स होंगी। इसका साइड प्रोफाइल लुक, ये 2017 मॉडल है, इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है, इसके अलॉय व्हील्स पहले 17 इंचेस के आते थे, अब 16 इंचेस के हो गए हैं, मतलब सबके एक जैसे ही अलॉय व्हील्स हैं, चाहे GX से लेके ZX वेरिएंट तक। ये इसके मिरर्स, इसमें क्रोम दे रखा है, अच्छा प्रीमियम लुक है। इनोवा आज तक की सबसे बेस्ट सेलर है टोयोटा की ओर से, मतलब आप समझिए 2005 से लेके आज तक की, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लुक करा गया है हर इनोवा में। इसका इंटीरियर इसका स्पीडोमीटर 6000 RPM और 200 तक इसकी टॉप स्पीड दिखा रहा है। इसका स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, काफ़ी प्रीमियम लुक देगा। इसके AC कंट्रोल्स ये देखिए, इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है, थोड़ा टिल्टेड है अपवर्ड ड्राइवर साइड के लिए। ये इसके पावर मोड्स, ये भी एक हाईलाइट है इस कार का फीचर में, इको मोड थोड़ा सा एवरेज बढ़ाने के लिए और पावर मोड परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का भी स्विच दिया हुआ है। ये देखिए इसके एयरबैग्स, टोयोटा ने इसमें एक सेफ्टी भी रखी है कि इसमें 3 एयरबैग स्टैंडर्ड है हर वेरिएंट में, मतलब 3 एयरबैग्स आप कैसे सोच रहे होंगे, लाइक ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग तो होता ही है, इसमें एक नी एयरबैग भी अब स्टैंडर्ड दिया गया है, काफ़ी अच्छा फीचर है टोयोटा की ओर से। ये देखिए इसका ग्लव बॉक्स, ये देखिए छोटा मोटा सामान रखने के लिए अच्छा है। इसका दूसरा ग्लव बॉक्स, ये भी स्पेशियस है। इसके लाइट स्टॉक्स, ऑटोमेटेड हेडलैम्प्स भी दे रखी हैं इसमें, फॉग लैम्प्स, और इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप इंजन भी दिया गया देखिए, और कीलेस एंट्री के साथ। ये देखिए इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इनोवा आ रहा है, ये देखा साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है साउंड क्वालिटी इसकी, अच्छा लग रहा है। ये इसका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये देखिए इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, अब अच्छा इफेक्ट देगा इसमें। इसका AC भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके पावर कंट्रोल्स देखिए, अनलॉक, लॉक, मिरर एडजस्टमेंट फोल्डेबल के लिए, और इसमें चारों में ऑटो फंक्शन दिए गए, मतलब आप ये इसी बटन के थ्रू वापस ऊपर हो जाएगा इसके मिरर्स, अच्छा फीचर है। आइए इसकी बैक स्पेस दिखाता हूँ आपको, हाँ ये इसका एक और हाईलाइट है, इसकी अपॉल्स्ट्री, जो ZX वेरिएंट में भी दो आते हैं इसमें अपॉल्स्ट्री, ये मैनुअल वेरिएंट है। ये देखिए इसके गियर नॉब, इसमें ब्लैक अपॉल्स्ट्री होगी, और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो इसका शो स्टॉपर है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देगा वो, उसमें हेजल नट ब्राउन अपॉल्स्ट्री है, थोड़ा सा आपको नाम अजीब सा लग रहा होगा। ये देखिए इसमें ये लेदराइट फील है, थोड़ा प्रीमियम है। ये इसके इलेक्ट्रिकल पावर सीट्स हैं, अच्छा लग रहा है देखिए। ये इसके बॉटल होल्डर देखिए, ड्राइवर के लिए भी है, पैसेंजर के लिए भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी स्पेसेस दी गई जो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें एक और बॉटल होल्डर, ये इसका
आर्मरेस्ट, काफ़ी स्पेशियस है इसके अंदर की जो स्टोरेज है। ये इसमें यूएसबी और ऑक्स पोर्ट, ये आगे भी एक स्पेस दे रखी है, पावर सॉकेट भी दिया गया है। इनोवा की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बढ़ाई गई थी पुराने वेरिएंट से। अब इसकी नई हाइट, इसके नए एस्पेक्ट्स देना चाहूँगा मैं आपको। इसकी लेंथ है 4.7 मीटर्स, इसकी लेंथ है 1.8 मीटर्स और इसकी हाइट है 1.8 मीटर्स। इसका व्हील बेस है 2.7 मीटर्स और इसके दो इंजन आते हैं डीजल वेरिएंट में, 2.4 लीटर और 2.8 लीटर। 2.4 लीटर मैनुअल वेरिएंट के लिए है और 2.8 लीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए है। मतलब इसके इंजन कैपेसिटी भी दिखा बताता हूँ आपको। 2394 सीसी आपका डीजल इंजन मैनुअल के लिए है, जिसमें 140 पीएस की पावर है और 343 एनएम का टॉर्क है। और ऑटोमेटिक वेरिएंट में जो माइंड ब्लोइंग है, 174 पीएस और 360 एनएम का टॉर्क। ये देखिए इसकी एम्बियंट लाइट्स, ये अगर ये रात होती तो काफ़ी प्रीमियम लगता। ये इसके एसी कंट्रोल्स हैं, थोड़ा सा दूर रखा गया है ताकि थोड़ी इफेक्टिव कूलिंग हो। पहली वाली इनोवा क्या था, बिल्कुल ही मुंह पे पड़ती थी जब हवा, तो काफ़ी चिल्ड हो जाता था बहुत ही जल्दी। अब इसमें थोड़ा सा दूर कर दिया गया ये इसके कंट्रोल्स, तो फिर थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसमें टेबल्स दी गई हैं, ये देखिए अपना लैपटॉप या कुछ खाना वाना रखने के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ये देखिए कप होल्डर के साथ, ये पहला फीचर है। ये इसमें एक और पावर सॉकेट दिया गया है। ये इसकी स्पेस, यहाँ पे एक और कप होल्डर्स है जो भी दिखो। ये देखिए सीक्रेट है, बंद नहीं हो रहा। ये इसकी थर्ड रो, पर ठीक है छोटे लोग या 5 feet 5 inches 6 inches तक आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरी हाइट है 5 feet 10 inches, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस दिया गया है मेरे लिए तो, और काफ़ी कंफर्टेबली मैं बैठ पा रहा हूँ। इसकी रीडिंग लाइट्स, एक और रीडिंग लाइट है। इसमें थर्ड रो के लिए भी एक सीट बेल्ट दी गई है, काफ़ी बढ़िया फीचर है। टोयोटा ने इसे GOA बॉडी बनाई गई है, मतलब GOA का मतलब है ग्लोबल आउटस्टैंडिंग असेसमेंट। ये देखिए इनोवा क्रिस्टा बैजिंग, ये टोयोटा, ये 2.4Z वेरिएंट है। इसमें और भी कलर्स आते हैं जैसे कि गार्नेट रेड, सुपर वाइट, ये ब्रॉन्ज कलर है इसमें। इसमें दो वाइट कलर्स आते हैं, पर्ल वाइट और सुपर वाइट। मतलब सुपर वाइट ज़्यादा बिकता है यहाँ पंजाब में। इसकी बूट 350 लीटर्स इसकी बूट कैपेसिटी है, जब अभी सारी सील्स फ्लैट हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए, ये देखिए इसमें हेडरेस्ट भी दिया गया है यहाँ के लिए। इसमें बूट लैंप हुक्स भी दे रखे हैं। ये देखिए एक दो सीट बेल्ट, तीसरी, ये देखिए तीसरी एक सीट बेल्ट यहाँ पे भी दे रखी है। मतलब टोयोटा ने कोई सेफ्टी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिशन के लिए इसमें दो ट्रांसमिशन आते हैं, एक 5-speed मैनुअल, एक 6-speed ऑटोमेटिक। अभी मैं आपको एक और कलर दिखाऊंगा जो गार्नेट रेड कलर है और वो ऑटोमेटिक में है। थैंक यू। ये इनोवा का नया एक टूरिंग स्पोर्ट वेरिएंट है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। ये इसके किट लगाई गई, देखिए नीचे ये जो क्रोम बम्पर्स हैं इसके ब्लैक आउट कर दिए गए हैं। ये इसके प्रोजेक्टर लैंप्स जो ब्लैक आउट है, जिसमें कहते हैं आम तौर पे स्मोक लैंप्स। इसमें दो कलर्स आते हैं, वाइट और रेड। वाइट मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, जो रेड है जो सबसे अट्रैक्टिव लगता है इसमें। इसके अलावा व्हील्स सिर्फ ब्लैक आउट किए गए हैं और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये देखिए इसमें सब जगह किट लगाई गई है। ये देखिए ये स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ये जो ये भी एक मस्ट हैव फीचर है और ये एक्सेसरीज में अवेलेबल है ख़ास तौर पे। ये आपका इंटीरियर दिखाता हूँ आपको इसका। ये देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक ही जो चीज़ें क्रिस्टा में ब्राउन में थी, जो उसका ये वुडिश
था वो ब्राउन में था, ये रेड वुड कर दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम है। बाकी और कोई फीचर में फ़र्क नहीं हुआ, ये देखिए इसका स्पीडोमीटर भी वैसे ही है, इसका लेदर आप स्टेयरिंग व्हील जो रेड शेड में दिए गए हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसमें रेड स्टिचेस दिए गए हैं सीट्स पे, गियर नॉब पे, ये आपकी बैक स्पेस, ये भी अच्छा लग रहा है आपको। अब बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको इसकी, ये देखिए ये इनोवा बैजिंग, ये क्रोम ग्रिल थी इसकी पीछे से, ये ब्लैक्ड आउट कर दी गई है। ये देखिए टूरिंग स्पोर्ट, बाकी सब फीचर्स नॉर्मल जो क्रिस्टा में आते हैं। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं डीजल और पेट्रोल में। पेट्रोल जो दे रखा है 2.7 लीटर्स का दिया गया है इंजन इसका, 150 पीएस और 266 एनएम का टॉर्क। और डीजल जो है वो भी दो वेरिएंट्स में आता है, 2.4 लीटर और 2.8 लीटर। जो 2.4 लीटर है जिसकी पावर टॉर्क बता चुका हूँ वो भी मैनुअल वेरिएंट में आएगा, और जो 2.8 लीटर ऑटोमेटिक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इनोवा का एक और कलर दिखा देता हूँ आपको, ये गार्नेट रेड कलर है। ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि एक डेमो कार है। ये देखिए इसकी बैजिंग 2.8Z, जो गार्ड लगाया गया है ये स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ये डीलर ने लगाया गया है। इनोवा क्रिस्टा बैजिंग, जो भी इसमें अलग सी चीज़ें दिख रही है जैसे कि इसके ऊपर गार्निशिंग, सब एक्सेसरीज लगाई गई हैं, कोई स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। आइए इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका इंटीरियर सेम ही है, बस इसकी जो ये सीट्स हैं ये देखिए, इसका थोड़ा अच्छे से व्यू दिखा देता हूँ। ये इसकी सीट से काफ़ी प्रीमियम है, ये हेजलनट ब्राउन कलर है, और इसकी जो मैक्स ग्राउंड क्लियरेंस बताई गई जो 180 mm है। ये इसका ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स 6-speed है। ये देखिए इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया और टेप्ट्रॉनिक मोड भी है। टेप्ट्रॉनिक बेसिकली मीन्स मैनुअल मोड पे आप चला सकते हैं इस कार को। और कोई खास वेरिएंट में फ़र्क नहीं है ZX के मैनुअल वेरिएंट में और ZX के ऑटोमेटिक वेरिएंट में, चलिए कितना ही फ़र्क था जी मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी ट्रे, ये पहली बार देखने को मिल रही किसी कार में। ये इसके साइड में आर्मरेस्ट के लिए वेलविटी फील देगा काफ़ी। चलिए अब इसकी टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं, हम इसके टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं, देखते हैं अब कैसी कार है परफॉर्मेंस में। ये आज मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहा हूँ, मैनुअल में नहीं चला पाया क्योंकि इसकी डेमो कार अवेलेबल नहीं थी। काफ़ी अच्छा पिकअप है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, बट थोड़ा सा NVH लेवल्स में थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा है वैसे NVH भी, पर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ करता है, थोड़े हाई RPM पे चलो जैसे। और इसका जो गेयरबॉक्स है वो भी अच्छा है, स्मूथ है, पर अब इनोवा के कस्टमर्स अब ऑटोमेटिक में कार ड्राइव कर पाएंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और उसका जो टर्निंग रेडियस है 5.4 मीटर्स है, जो काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारे सिटी ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से। और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड है 15.3 है जो डीजल वेरिएंट की है मैनुअल में, और रियल लाइफ में लगभग 11-12 तक की उम्मीद है। और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड है 13.3, पर अभी जो दे रही है 10.2 दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छा है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। हम हाईवे पे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कार से, कोई शिकायत नहीं आ रही, इसे इनोवा में शिकायत आने की कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। चलिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल ऑटो ट्रेंड इंडिया। थैंक यू।